सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ज्ञान सरिता को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां का बच्चा बच्चा संस्कृत में बात करता हो? कर्नाटक का मक्कूरु ऐसा ही एक गांव है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस गांव में रहने वाले सभी लोग संस्कृत में ही बातें करते हैं। यूँ तो आसपास के गांवों में लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तुंग नदी के किनारे बसा ये गांव बेंगलुरु से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। हालांकि बाद में यहां के लोग भी कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे। 1981-82 तक यहां कन्नड़ ही बोली जाती थी, लेकिन 33 साल पहले पेजावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषी गाँव बनाने का आह्वान किया था और मात्र 10 दिनों तक 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा था। इसके बाद से सारे लोग आपस में संस्कृत में बातें करने लगे। मत्तूरु गांव में 500 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 3500 के आसपास है। वर्तमान में यहां के सभी निवासी संस्कृत समझते हैं और अधिकांश निवासी संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गांव में संस्कृत भाषा के क्रेज का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से लगभग आधे प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाषी इस गांव के युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो कुछ बड़े शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से भी कई लोग संस्कृत सीखने के लिए इस गांव में आते हैं। इस गांव से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इस गांव में आज तक कोई भूमि विवाद नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।